हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हाँ, छुट्टी का दिन था तो मन था कि कुछ डिफरेंट करें। तो वो डिफरेंट ये था कि मेरे पास ये एक पुरानी मोटरसाइकिल है, लगभग 14 साल पुरानी मोटरसाइकिल है, और मैं सोचा था आज इसको थोड़ा चलाते हैं, निकालते हैं, साफ सूफ करते हैं। लेकिन जब मैं आया तो इसको स्टार्ट करने की कोशिश करी, साफ थोड़ा बहुत कर लिया, तो इसकी जो बैटरी है वो डेड हो चुकी है। तो आप समझ गए होंगे कौन सी बाइक है जो बैटरी डेड होने से जो है स्टार्ट नहीं होती और कोई 14 साल तक रख सकता है। तो वो ये है ब्लैक ब्यूटी स्टैंडर्ड बुलेट मोटरसाइकिल। तो अभी जो मसला ये हो गया कि इसकी बैटरी बिल्कुल डेड है और ये स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ स्विच इसका ऑन करने के बाद, जो हॉर्न वगैरह है कुछ भी नहीं बोल रहा है, जो इसके इंडिकेटर्स वगैरह है कुछ वो भी सही से नहीं चल रहा है। तो इस कंडीशन में अगर मैं कोशिश भी करूँ इसको स्टार्ट करने की तो मुश्किल है, फिर भी एक बार मैं ट्राई करता हूँ। तो जी ये तो स्टार्ट होने वाली नहीं है, तो इसका साफ सा मतलब यही है कि बैटरी का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इस समय जहाँ तो फिर मैं किसी बैटरी वाले को बुलाऊँ या इसकी बैटरी निकाल कर लेके जाऊँ, उसको चार्ज करूँ, फिर इसको स्टार्ट करूँ, ये बहुत ज़्यादा चलती नहीं है। जैसे मैंने बताया, बस शौक से रखी हुई है, काफ़ी समय हो गया इसको मेरे पास, जे 2008 में मैंने ली थी। पहले काफ़ी चली थी, पिछले 4-5 साल से जो है बिल्कुल नहीं चल रही है। ज़्यादातर गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ऑफिस थोड़ा दूर है, तो लोकल चलती रहती है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो अब देखते हैं इसको स्टार्ट कैसे करना है। बिना बैटरी के तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगी, ये तो फॉर श्योर है। तो बैटरी के लिए फिर मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए ये साथ में गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी में तो बैटरी है, सही सलामत है। तो गाड़ी की बैटरी से बाइक स्टार्ट करने की जो कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे होता है, सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। मेरे पास एक जुगाड़ बना हुआ है पहले से, किसी वजह से बनाया हुआ था, उसका इस्तेमाल करूँगा। वायर्स वगैरह का आप देखना कैसे मैं इस बाइक को जो है गाड़ी की बैटरी से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर जो है गाड़ी का वो नट खोल लेते हैं, और इसको स्टार्ट करने के लिए जिस जुगाड़ का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, ये वायर है, ये वायर ऐसे किसी और पर्पज़ के लिए भी बनाई थी। दोस्तों बोनेट जो है इस गाड़ी का ऐसा है कि चाहे आप ना इसके साथ वर्कआउट कर लो आराम से, बहुत बढ़िया हो सकता है। तो यहाँ पर इसके टर्मिनल्स हैं बैटरी के, ये वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला जो है नेगेटिव टर्मिनल है। तो मैंने जो जो वायरिंग अपना टाइप जो बना रखा है, इसके ऊपर क्लिप वगैरह लगा रखे हैं, एक को मैंने रेड टेप कर रखा है, दूसरी तरफ इस तरह रेड टेप है सेम वायर, क्योंकि वायर मेरे पास एक ही कलर की थी तो ऑप्शन थी नहीं, तो इसी तरह से काम चला लिया। और एक जो पॉइंट है इस तरफ जो है मैं बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूंगा, दूसरी तरफ बुलेट के साथ कनेक्ट करूंगा। किस पॉइंट पे कर रहा हूं मैं बताता हूं, पहले बुलेट को इस गाड़ी के पास लेके आना पड़ेगा। लेकिन ये बता दूं, इसको बैटरी गाड़ी की बैटरी के साथ पहले कनेक्ट नहीं करेंगे, इसको बाद में करेंगे। जो बुलेट की बैटरी है वो तो डेड है, तो अगर मैंने यहाँ पहले कनेक्ट कर दिया और कहीं पर जुड़ गया तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो गड़बड़ हो सकती है, तो इसको यहाँ रख दिया है। अब बाइक को पास में लेके आते हैं। या तो मैं जो है इसको बैटरी के टर्मिनल के साथ सीधा कनेक्ट कर सकता हूँ, वो भी एक तरीका है, उससे भी काम चल जाएगा। उसके जो वायर है उसको मैं बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूँ, लेकिन मैं कुछ और ट्राई करने वाला हूँ। यहाँ पे जो हॉर्न का देखिए रिले लगा हुआ है, तो ये वाली जो वायर है ये बैटरी से सीधी आ रही है, तो इससे भी काम बन जाना चाहिए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा करंट नहीं चाहिए होता है, क्योंकि सेल्फ स्टार्ट तो है नहीं जो मोटरसाइकिल, तो स्टार्ट तो किक से ही होना है, बस इसको थोड़ा सा करंट चाहिए होता है ताकि ये स्टार्ट हो जाए। तो इस रिले पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लीजिए तो रेड वाला यहाँ पे हो गया। अब मुद्दा है ये वाला, तो इसको तो बॉडी में हम कहीं भी लगा दें तो कोई समस्या नहीं है, चाहे इंजन के साथ ही लगा दें तो इससे भी चलना चाहिए। दूसरी तरफ जो है वो बैटरी के साथ लगा कर देखते हैं,
यहाँ पे ये ध्यान रखिए, कभी भी आप बैटरी के साथ कुछ तरी गिर गया, एक हाथ से काम करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो ऐसे हमेशा जो आपका जो अर्थिंग वाला टर्मिनल होता है उसको पहले कनेक्ट करें, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको बाद में कनेक्ट करें। कनेक्शन सही है या नहीं है इसकी जांच के लिए हम क्या कर सकते हैं? ओ नहीं चला है, बैटरी से करंट नहीं आया, कोई गड़बड़ है। देखते हैं गड़बड़ क्या है, लेकिन उसके लिए जो है पहले इसको खोल देते हैं। ये वाला तो मुझे इसमें तो कोई डाउट नहीं लग रहा है, ये सही है। ये वाला हो सकता है कि इसमें कोई गड़बड़ हो या नहीं चला है, तो मेरे पास अर्थ भी आ रही है कहीं ना कहीं से। ये देखिए इस पत्ती से अर्थ आ रही है, तो यहाँ लगा के देखता हूँ प्रॉब्लम अर्थ की है या वहाँ की है, क्योंकि बैटरी टर्मिनल में तो हो नहीं सकती। अब इसको लगाते हैं। लो जी बात हो गई बंद। तो अब मुद्दा है इसको स्टार्ट करके ट्राई करने का। इंडिकेटर भी थोड़े बहुत जल रहे हैं क्योंकि बैटरी डेड है, तो बहुत बढ़िया से काम नहीं हो रहा है। स्टार्ट करने की ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऑन कर देते हैं, चोक लगा देते हैं। अब जब इसके कनेक्शन खोले जाएंगे वो उसी तरह से उल्टे तरीके से खोले जाएंगे, जो पहला है जो गाड़ी की बैटरी की तरफ है वहाँ से खोला जाएगा, पॉजिटिव को खोला जाएगा। उन दोनों को टच होने से बचाना होगा और उसके बाद जो है मोटरसाइकिल की तरफ से जो है वो कनेक्शन खोल दिए जाएंगे। और फिर जी हम तो आज मज़े वाली राइड करने जा रहे हैं।